हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु राठौड़, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार बॉडी पार्ट्स नेम। मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, कई लोगों को आपको पता होगा कि कार के पार्ट्स नेम क्या होते हैं, फिर भी मैं आज इंटीरियर की बात नहीं करेंगे, हम आज करेंगे एक्सटीरियर की बात कि एक्सटीरियर के जितने पार्ट्स होते हैं ये आगे से लेके पूरा पीछे तक तो क्या कहा जाता है इसको, क्योंकि कई बार पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं गाड़ियों के, तो पता होना चाहिए कि एक पार्ट्स का नाम। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा अगर जितनी भी चीज़ें होती हैं इसी गाड़ी से बताता हूँ मैं, क्योंकि जब यही है तो इसी से बताऊँगा। ये सभी गाड़ियों के लिए काम करेगी, ये चीज़ बताऊँगा मैं इससे, और सब गाड़ियों के लिए ये चीज़ काम करेगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। तो सामने से अगर देखा जाए तो सामने से ये लाइट, हेडलाइट जिसे कहा जाता है, और ये बोनेट जिसके नीचे इंजन होता है पूरा कवर्ड, और ये बम्पर, और ये ग्रिल जो हमने देखा होगा कई गाड़ियों में क्रोम में होती है पूरी ग्रिल, आजकल तो बहुत डिज़ाइन वाली ग्रिल चल रही है, तो ये पूरी ग्रिल होती है। और ये विंडशील्ड, ये होती है पूरी विंडशील्ड। और ये साइड से अगर देखा जाए ये होता है फेंडर, यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट होती है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको नई गाड़ियों में आजकल यहाँ भी मिलेगी साइड मिरर पे, पर यहाँ पे होती है, यहाँ इसे क्या कहा जाता है, फेंडर। और ये बम्पर आपने देख लिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है ए पिलर, ये पूरा ए पिलर है यहाँ तक ए पिलर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये होती है रूफ, गाड़ी की छत रूफ। और इसकी बात की जाए अगर, ये होता है बी पिलर, जो बीच में होता है सेंटर में, ए बी, ये होता है बी पिलर। और अगर आगे बढ़ते हैं तो ये होता है सी पिलर, ये होता है सी पिलर पूरा। सी पिलर के बाद अगर बात की जाए पीछे बैक में, तो ये होता है आपके डिग्गी, बूट स्पेस, और जो गाड़ी के बूट के ऊपर जो ये पोर्शन होता है ये वाला, इसको ग्लास कहा जाता है। जो फ्रंट वाली होती है वो विंडशील्ड, और जो बैक वाली होती है इसे ग्लास कहा जाता है। और ये टेल लाइट, रियर लाइट जिसे कहा जाता है, और ये रियर बम्पर, ये पूरा रियर बम्पर होता है। और अगर साइड की बात करें तो ये आपको रियर क्वार्टर पैनल, जैसे वहाँ पे फेंडर होता है इंडिकेटर के पास, और ये रियर क्वार्टर पैनल होता है पूरा, यहाँ सी पिलर और ये रियर क्वार्टर पैनल। ये डोर हैंडल, और ये भी ग्लास, जो साइड में इसके शीशे होते हैं गाड़ी के, इनको ग्लास कहा जाता है। ये और ये डोर्स, ये दोनों डोर्स, दो इधर और दो साइड में, चार डोर्स, पीछे बूट और आगे विंडशील्ड। तो ये सभी पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, एक बार मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा अभी इसमें, तो उसमें आप पूरा देख लेना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर टायर्स की बात की जाए तो टायर्स में ये व्हील कवर होते हैं, आप एलॉय व्हील भी ऐड कर सकते हैं इसमें, एलॉय व्हील, स्टील वगैरह जो भी जिस चीज के भी बने होते हैं, और ये प्लास्टिक के होते हैं, ये व्हील कवर स्टील रिम के साथ। और ये फ्यूल के लिए, तो एक्सटीरियर में तो यही पार्ट्स आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आपको ये एंटीना मिल जाता है नई गाड़ियों में, अब शार्कफिन एंटीना आएगा जो यहाँ पे मिल जाता है आपको रियर में, बाकी तो सब यही है, आपने देखा ही होगा। तो ये होते हैं इनके नाम, और ये वाइपर दोनों, यहाँ पे आप फोग लैम्प फ्रंट में, और ये साइलेंसर,
साइलेंसर है पूरा। आपको दिखाते हैं अभी नीचे कहाँ से आता, कहाँ से कहाँ तक इसकी होती है। देखिए आगे से लेके ये प्लेसमेंट होती है इसकी पूरी। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आपने देख लिया होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।